हेलो गाइस, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि आप अपने हैंड स्केच को कैसे कोरल ड्रॉ में बना सकते हो। ये रहा, हम फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने ख़त्म किया था। तो ये हमारा कंप्लीट था, हम पहले इसे हेयर लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये मैंने थिकनेस बढ़ाई थी क्योंकि आप देख सको, आप हमेशा बनाओ तो हेयर लाइन में ही बनाओ। अब हम चलते हैं इसको कलर करने में, कैसे आप उसको रियलिस्टिक, कैसे आप वो गोल्ड लुक जैसे ज्वेलरी होती है वैसे देख सको। तो पहले आप देखो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप येलो पे क्लिक करोगे तो ये इजीली कलर्ड हो जाएगा, बट आप देख रहे हो कि इसके ऊपर कोई कलर नहीं है, इसलिए ये इसमें भी कलर दिखा रहा है। इसे हम अनग्रुप कर देते हैं। अब देख रहे हो यहाँ पे आप येलो कलर पे 4 सेकेंड्स तक लेफ्ट क्लिक करो तो आपको ये सारे ऑप्शन दिखाएंगे। आप ये भी कर सकते हो और आप इसमें शेडो दे सकते हो। ये मैंने, आप ट्रांसपेरेंसी टूल लीजिए और कहीं से भी आप इसको शेडो दे सकते हो। याद रखिए कि आपका आउटलाइन, जब आप गोल्ड लुक देते हो तो आपका आउटलाइन ब्लैक ना हो, आपका आउटलाइन ब्राउन ही हो। इससे वो गोल्ड, किसी भी आप ज्वेलरी में ऐसे देखते हो तो उसमें ब्लैक नहीं दिखता है, आप थोड़ा सा येलो के क्रोम के शेड्स में आता है तो आप ब्राउन दो। ये हम ऐसे इन सब में शेड करेंगे। देन आप देख रहे हो इसमें हमने कलर ले लिया है। आप थोड़ा लाइट भी ले सकते हो अगर आपको लाइट चाहिए तो। अब हम इसके अराउंड सेम कलर फिल करेंगे। आप जब बनाते हो तो उसी वक्त कलर फिल कर दो, इसलिए आपको पूरे में कलर नहीं फिल करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको पूरे को ब्राउन कर देती हूँ। हम चलते हैं, मैं सेम, या तो मैं एक एक करके इसको इसमें कलर फिल करूं, या तो मैं इसको इसी को रिपीट कर दूं। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसी को रिपीट कर दूंगी क्योंकि मुझे ये हार्ड टफ लगेगा कि मैं एक एक को कलर फिल करने बैठूं, एक एक को मैं शेडो दूं, ट्रांसपेरेंसी दूं। जैसे मैंने पहले बताया था, मैंने इसको ग्रुप किया कंट्रोल जी, देन इसका सेंटर मैंने इसके सेंटर से मिलाया, देन इसको रोटेट करूँ, देन डबल क्लिक, कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर, मेरा आपका हो गया। ये बहुत इजी है। देन आप देख रहे हो कि हमें इस पे भी करना है, हम सेम मेथड करेंगे। आप ये देख रहे हो ये फुल राउंड है, तो हम इसमें कलरफुल करने के लिए ट्रांसपेरेंसी में हम दो ऑप्शंस हैं। एक तो आप साइड में शेडो दे सकते हो, क्योंकि ये राउंड है तो मैं राउंड में दूंगी शेडो। इसको आप छोटा कर दीजिए और ध्यान रखिए जहाँ पे आपको लगे शेडो आएगा, जहाँ पे आपको लगे कि डार्क होगा लाइट होगा, आप उसी एक ही डायरेक्शन में दें। जैसे हम हाथ से करते हैं एक ही डायरेक्शन में करते हैं, या आप देख रहे हो थोड़ा स्पेस आ गया क्योंकि हमने थिकनेस हटाई है, हमने थिकनेस इसकी हेयरलाइन रखी है। पहले मेरी थिकनेस ज़्यादा थी तो इसमें स्पेस आ गया, तो आप स्टार्टिंग से हेयरलाइन करिए। इसको मैं फिर से हटा देती हूँ। सेम मैं क्या करूँगी, मैं इसको ग्रुप करूँगी कंट्रोल जी, हो गया ग्रुप। इसका सेंटर मैं इसके से मिला दूँगी और इन सबको दे। अब हम क्या करेंगे, इस आउटलाइन को देंगे सेम, हमने गोल्ड फिल किया वहाँ पे वाइट, शैडो
आप इससे इंक्रीज़ कर सकते शेडो, जितना आप सेंटर में करेंगे उतना आपका शेडो इंक्रीज़ होगा। आपको फर्स्ट आप ट्राई कर रहे हैं तो इसको पहले एक्सप्लोर करिए कि कहाँ शेडो आएगा, कहाँ आप और ज़्यादा शेडो देना चाहते हैं, तो आप इसे ज़्यादा समझ पाएंगे। भी सेम करेंगे हम येलो फिल करेंगे। आप कभी कभी देखो कि आपका लेयर छुप गया आप जब कलर डालते हो, तो क्योंकि ये आपके अपर पार्ट पे आ गया। अब अगर आपको इसको नीचे करना है तो आप राइट क्लिक करके ऑर्डर टू दी टू बैक ऑफ द पेज, बस आपको ये करना है। मैं एक साथ सबको सेलेक्ट करके कलर फिल कर देती हूँ। जो नोट्स कनेक्टेड नहीं होंगे वो नहीं जॉइन होंगे। देख आप डबल क्लिक करके देख सकते हो कि कौन से नोट्स कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे देखिए कनेक्टेड नहीं है, सेम इसमें यही कनेक्टेड नहीं है। हम इसमें शेडो देंगे। अभी आप देख रहे हो कि मैं इसमें शेडो देती हूँ। इस अपर पार्ट में ज़्यादा मुझे पता नहीं चल रहा है मैंने जो शेडो दिया है, जो ट्रांसपेरेंसी दी है, क्योंकि मेरे लोअर लेयर में ऑलरेडी येलो कलर का है जो कि अगर मैं ट्रांसपेरेंसी दूंगी तो उससे ढक जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम कॉपी कर लेंगे, इसको कंट्रोल एक्स से हटा दीजिए। इसको हम पहले वाइट करेंगे, वाइट फुल करेगा, कोई ट्रांसपेरेंसी ना रहे। यहाँ पर आप ट्रांसपेरेंसी में जाकर साइड से इसको हटा दीजिए। देन इसी को आप कॉपी पेस्ट करिए, आप येलो कलर पर फिर इसको ट्रांसपेरेंसी दीजिए। देखिए कितना फर्क है। अब इन सब में भी सेम करोगे। हमने एक साइड का किया, मैं इनको सेलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके मैं इनको थोड़ा बड़ा कर दूंगी, क्योंकि हमने हेयरलाइन पे अप कर दिया है तो अब काफ़ी स्पेस है इस यहाँ पे। कंप्लीट कर दिया है और दूसरी साइड डिलीट करके हम कंप्लीट कर देंगे इसको। बस हमें कॉपी पेस्ट करना होगा। ये दूसरी साइड भी हो गया। अभी आप देख लो, अगर आपको इस एरिया में आप ये ब्लैंक नहीं छोड़ना चाहते हो तो आप एक फिर से आप एक आउटलाइन बनाओगे और फिर से आप उसको कलर दोगे। इसको आउटलाइन बना देती हूँ। अभी आप देख रहे हो कि मैं अगर इसको कलर करती हूँ तो इन सब पे भी ये कलर आ रहा है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। अभी मैं इसको एक और लेयर दे दूंगी इन सबको सेलेक्ट करके। इसको पेस्ट
करेंगे देन कंट्रोल एक्स कर दीजिए, जैसे ही हेयर हट जाए फिर हम इसको वाइट कर देंगे। ये भी सिलेक्टेड नहीं है, इसको ग्रुप कर लेते हैं। ये रहा, मैंने दो लेयर लिया है, ये थोड़ा डार्क दिखे। अब हम क्या करेंगे, इस लेयर में हम कलरफुल करेंगे। ये आप देख रहे हो, अब आपको जहाँ ट्रांसपेरेंसी देनी है वहाँ पे दे दीजिए। आपका ये आउटर मोस्ट लेयर छूट गया है, सेम हम मंजिल के साथ देखेंगे। आपको बहुत लाइट लग रहा है तो आप ग्रुप करके इसके ऊपर एक और कलर, एक और लेयर चढ़ा दीजिए। इन सबको शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करिए, कंट्रोल जी देन कंट्रोल सी, एक और लेयर हो गया। थोड़ा ये डार्क दिख रहा है तो अच्छा लग रहा है। देन सेम मैं राउंड्स के साथ करूँगी, इसमें स्टोन्स डालने हैं। स्टोन्स के लिए आप ये भी कर सकते हो कि आप कलर दे दो, लेकिन कलर में उतना इफेक्ट नहीं आएगा। आप कलर दोगे तो उतना इफेक्ट नहीं आएगा, ये बस ऐसा लगेगा आपने कलर कर दिया। या तो आप PNG कोई डाउनलोड करो, यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर रखा है एक स्टोन का, मैंने पेस्ट किया। बस आपको ये काम करना है, आप इसमें राइट क्लिक करके पावर क्लिक करना है। आप ये ध्यान रखिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट जिसमें आप पावर क्लिक कर रहे हो वो ग्रुप ना हो, नहीं तो अगर जैसे मैं दिखाती हूँ ग्रुप है ये, इसमें अगर मैंने पावर क्लिक किया तो ये पूरे ऑब्जेक्ट में हो। हमें इन सबको हटा देना है, ग्रुप नहीं रखना है। डायरेक्ट इसमें पावर क्लिप करते जाओ। सो मैं फिर से वही करूँगी, एक एक ऑब्जेक्ट को मैं पावर क्लिप नहीं करूँगी, मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। ये हो क्या, सेम आप इन सब में करेंगे, जो कलर आपको देना आप वो दो। अब मैं इसमें ग्रीन स्टोन दे देती हूँ, कोई भी ज्वेलरी फिगर इसमें क्रॉप कर सकते हैं। मैं यहाँ से क्रॉप कर लूँगी, मुझे ग्रीन स्टोन चाहिए, और इसमें आप पावर क्लिप कर सकते हैं। यहाँ देखिए साइज में होना चाहिए पावर क्लिप, देखा ईजली पावर क्लिप हो गया। इससे आप जो साइज आप फिट कर सकते हैं, आपको अगर आप ये लग रहा है कि इसमें फिट नहीं हुआ है, छोटा हो गया है, तो आप बस इस पर क्लिक करिए। आपको ये सारे ऑप्शन दिखेंगे, आपको सेकेंड ऑप्शन पे जाना है, सेलेक्ट पावर क्लिप कंटेंट, और इसमें छोटा बड़ा कर सकते हैं। सिर्फ आपको इन सब पे करना है। अब आपको बीच का पार्ट करना है, सेम आपको पिंक लेना है या जो भी कलर लेना है आप ले सकते हो। मैं चाहती हूँ
बीच वाला पोर्शन वाइट हो तो मैं इसमें से वाइट क्रॉप कर लूँगी, थोड़ा पिक्सलेटेड है चलेगा। आपको जो कलर लेना है वो कलर ले सकते हैं, किसी में से भी क्रॉप करिए और इसमें पावर क्लिक कर दीजिए। कलर हम इसको शेडो देते हैं। शेडो के लिए साथ आप जो उसको ग्रुप कर लीजिए, ग्रुप करके आप ड्रॉप शेडो टूल पे जाइए। बहुत इजी, आप प्रीसेट में आपको देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपको किस तरफ शेडो चाहिए। मैं ज़्यादातर फ्लैट बॉटम ब्राइट लेती हूँ। अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे ऑलरेडी एक मैंने पेंडेंट बना रखा है, यहाँ पे मैंने पर्ल्स को पावर क्लिप किया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे स्टोन है, अब ऐसे ही इन सबको बता सकते हो। इसमें भी मैं आपको शेडो करके दिखाती हूँ। कंट्रोल जी, टी से फ्लैट पॉट। अब देख लो कितना 3D लुक आ रहा है इसमें। पहले क्या था, फिर क्या था, और अब